हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है डेमो इंडिया। और डेमो देने के लिए आज मैं बोसिन कंपनी का दो वायरलेस स्पीकर लेके आया हूँ, जो ब्लूटूथ स्पीकर बोला जाता है। ये जो दोनों मैं स्पीकर को लेके आया हूँ, ये जो बोसिन कंपनी का बोस 90 और A18B, जो दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में एक साथ बताऊंगा और इसका डिफरेंस क्या है, इसका वर्सेस जो हमारा बॉस 90 वर्सेस A18B, मतलब इसके बारे में एक कैसे क्वालिटी का है, एक कैसे क्वालिटी का है, इसके लिए बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो तब तक वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो चालू करता हूँ। पहले तो मैं दिखा देता हूँ बोसिन कंपनी का A18B, जो देख सकते वायरलेस स्पीकर जो बोला गया है। और ये बोसिन कंपनी का A18B का बी मॉडल का हमारा ये स्पीकर लेकर आया हूँ। इसके बारे में तो थोड़ा सा बता देता हूँ। और इस पे आगे साइड पे जो लिखा हुआ है, ये 6 आवर तक ये ड्यूटी देगा, जो हमारा प्लेइंग टाइम बोला जाता है। और इस पे जो बोसिन कंपनी का बोस 90 जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा सिस्टम का बोसिन कंपनी का हमारा एक प्रोडक्ट है। ये दोनों ब्लैक कलर का मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये भी वायरलेस स्पीकर है, ये भी वायरलेस स्पीकर है, लेकिन इस पे हाई क्वालिटी का बेस मिल जाता है आप लोगों को। इसके ज़्यादा ए वाला बेस क्वालिटी का अच्छा है। और इसके बारे में बताने के लिए इसका डिटेल्स निकाल देता हूँ। डिटेल्स कहाँ पे, ये डिटेल्स मिल गया है। और इसका डिटेल्स पे क्या क्या दिया गया है वो भी चेक कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों देखूंगा ये जो बोसिन कंपनी का हमारा बोस 90 का जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, मॉडल नंबर का, इसका जो सिस्टम दिया गया है आप लोग क्या इसे चला सकते हैं, क्या क्या सिस्टम पे चला सकते हैं, इसीलिए ये वाला डिटेल्स दिया गया है। जैसे दिया गया है आप लोग टीएफ कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड सपोर्ट है, FM सपोर्ट है। और इस पे बड़ा सा एक बैटरी मिल जाता है बहुत अच्छा क्वालिटी का। और इस पे मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ होता है ब्लूटूथ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पे USB सपोर्टेड स्लॉट मिल जाता है, और ऑक्स इन करके भी आप लोग इसको चला सकते हैं। और एज डिवाइस देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम पे चलेगा वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा FM दिया गया है, ये बड़ा सा बैटरी दिया गया है जो 6 आवर्स तक इसको ड्यूटी देगा। और इस पे माइक्रोफोन मिल जाता है, ऑक्स कनेक्शन के लिए स्लॉट मिल जाता है, TF कार्ड से भी कनेक्शन करके आप लोग यूज कर सकते हैं। और इस पे USB भी स्लॉट दिया गया है, मतलब ये दोनों क्वालिटी जो फंक्शन दिया गया है कैसे चलाएंगे, तो ये दोनों का सिस्टम प्राय जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी का ही है। इसके बाद देखेंगे इसका जो डिटेल्स दिया गया है कैसे चलेगा। जैसे ये वाला स्पीकर देखिए, जो हमारा बोस 90 का ये वाला सिस्टम पे मिल जाता है आप लोगों को। आउटपुट पावर जो हमारा स्पीकर का क्वालिटी होता है, स्पीकर का जो साउंड होता है वो देखिए आउटपुट पावर कैसे है। जो हमारा 10 वाट का हमारा आउटपुट मिल जाता है। और इस पे स्पीकर लगाया हुआ है 5 वाट का, 4 ओम्स का हमारा 2 स्पीकर लगाया हुआ है। और इस पे जो जिगार्स फ्रिक्वेंसी है वो देखिए 2.4 से 2.48 जिगार्स तक आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी का जो फ्रिक्वेंसी है, रेजुलेशन है। और इस पे जो बैटरी स्टैंड बाई क्वालिटी है, इस पे 5 आवर्स तक मिल जाता है। और इसका वर्किंग जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर तक हो सकता है। जैसे आप लोग मोबाइल से चलाएंगे तो मोबाइल को आप लोग इसको
जो 10 मीटर होता है 10 मीटर के आसपास से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल से। जो ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ का जो साउंड है मोबाइल से इसको कनेक्ट करने के लिए 10 मीटर का अंदर में होना चाहिए। और इसका जो इनपुट वोल्टेज होता है जो चार्जिंग करने के लिए, और चार्जिंग करने के लिए 5 वोल्ट से आप लोग यूज कर सकते हैं, 5 वोल्ट से चार्ज कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका सिस्टम है। और ये जो हमारा जो आउटपुट पावर होता है, ये जो मॉडल है जो A18B जो मॉडल है, इसका जो सिस्टम दिया गया वो देख लेते हैं। जैसे इस पे 6 वाट का 2 स्पीकर मिल जाता है, जो हमारा 10 वाट तक आप लोगों को, 10 वाट से 12 वाट तक आप लोगों को साउंड देगा, जो 4 ओम्स का होता है। और इसका जो बैटरी दिया गया है जो 3.7 वोल्ट का जो लिथियम बैटरी दिया गया है, वो हमारा 1800 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया गया है। और इसका वायरलेस जो वर्जन दिया गया है 4.1। और इसका जो इनपुट पावर है वो हमारा 5 वोल्ट, जो आप लोग एडाप्टर से भी चार्ज कर सकते हैं या आप लोग पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, जो 1200 मिली एम्पीयर के अपर में होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और प्लेइंग टाइम इस पर दिया गया है 4 आवर्स। और इसका जो सिग्नल जो हमारा ब्लूटूथ का सिग्नल होता है, सिग्नल का जो डीबी होता है वो हमारा 75 से 95 डीबी तक दिया गया है। और इस पर कुछ नहीं है, मेगाहर्ट्ज़ किलोहर्ट्ज़ दिया गया है जो फ्रीक्वेंसी रेजुलेशन होता है। और ये कुछ भी नहीं दिया गया है। इसको आप क्या करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा सिस्टम दिया गया है वो देख लेंगे। जैसे हमारा A18B जो हमारा मॉडल है, ये मॉडल पे क्या दिया गया है पहले ही देख लीजिए, ये 6 आवर्स तक ये प्लेइंग टाइम देगा। और एक चीज देख लीजिए, इस पे हमारा जो बॉस 90 का जो मॉडल है, ये बॉस 90 का मॉडल से हमारा कितना टाइम तक ड्यूटी देगा वो देख लेंगे। ये देखिए बैटरी स्टैंड बाई, जो हमारा एंड्रॉयड पे हमारा साउंड जो बैटरी स्टैंड बाई जो क्षमता है वो हमारा 5 आवर्स है, जो म्यूजिक प्लेइंग टाइम जो बोला जाता है। इस पे भी देखिए हमारा 6 आवर्स तक दिया गया है, ये हमारा 5 आवर्स तक चलेगा। और मतलब इसके ज़्यादा इस पे सॉरी दोस्तों इस पे ज़्यादा इसका जो प्लेइंग टाइम है, ये प्लेइंग टाइम ज़्यादा है, जो A18B का जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा देर तक चलेगा, जो जिस पे हमारा 90 का बॉस 90 का जो मॉडल है इससे ज़्यादा ये ड्यूटी देगा। वो तो हो गया है। इसका स्पीकर का क्वालिटी देख लेते हैं। जो हमारा A19 का जो बॉस 19 का जो स्पीकर क्वालिटी दिया गया है वो हमारा 10 वाट का दिया गया है, जो 5 वाट करके 2 स्पीकर दिया गया है 4 ओम्स का। और हमारा इस पे देख लेंगे जो A18B का जो क्वालिटी दिया गया है, और इस पे देख लीजिए इसका जो स्पीकर दिया गया है वो 10 वाट का आउटपुट देगा, जो 4 ओम्स का होता है। मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा हमारा इस पे स्पीकर का वाट ज़्यादा दिया गया है। और देख लेंगे जो हमारा चार्जिंग जो सिस्टम दिया गया है, वो चार्जिंग सिस्टम पे क्या बताया गया है, जो इनपुट पावर होता है 5 वोल्ट, इस पे भी इनपुट पावर दिया गया है 5 वोल्ट, जो चार्जिंग करने के लिए ज़रूरी होता है। ये देखिए जो DC 5 वोल्ट 1200 मिली एम्पियर का, और इस पे दिया गया है 5 एम्पियर का, इस पे जो 5 वोल्ट का कोई भी एम्पियर नहीं दिया गया है। और इस पे क्या क्या सिस्टम है, जो हमारा इसको ऑन करने के लिए इसको चालू कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम पे चालू कर सकते हैं, इसके लिए दिया गया है इसका FM दिया गया है, और ज़्यादा बड़ा बैटरी दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया है, ऑक्स लाइन दिया गया है, TF लाइन दिया गया है,
टीएफ स्लॉट दिया गया है और हमारा यूएसबी स्लॉट भी दिया गया है। मतलब दोस्तों इस पे जो ब्लूटूथ का सिस्टम दिया गया है, ब्लूटूथ भी इस पे है और इस पे भी ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ है जो हमारा यूएसबी बीटी करके हमारा मल्टी स्पीकर बोला जाता है। और इस पे हमारा एफएम है, इस पे भी एफएम है और इस पे ज़्यादा बैटरी बड़ा दिया गया है और इस पे भी बड़ा बैटरी दिया गया है जो इस पे 5 आवर्स तक ड्यूटी देगा या 6 आवर्स तक ड्यूटी देगा। इस पे भी ऑक्स लाइन दिया गया है, इस पे भी ऑक्स लाइन दिया गया है और इसके भी टीएफ कार्ड डायरेक्ट कनेक्ट करके आप लोग चला सकते हैं। इस पे भी डायरेक्ट टीएफ कार्ड लगा के साउंड चालू कर सकते हैं। इस पे भी हमारा यूएसबी स्लॉट दिया गया है, इस पे भी यूएसबी स्लॉट दिया गया है। मतलब दोस्तों दोनों पे जो सिस्टम दिया गया है चलाने के लिए, जो कैटेगरी दिया गया है, फीचर्स दिया गया है, वो फीचर्स हमारा दोनों पे एक ही क्वालिटी का दिया गया है। और एक चीज दिखा देता हूँ, इस पे हमारा हाई क्वालिटी का बेस मिल जाता है। ये देखिए हाई क्वालिटी का बेस मिल जाता है, हाई बेस स्पीकर। और इस पे थोड़ा सा काम होगा शायद, इसलिए नहीं लिखा है। और इस पे हमारा टैग लाइन जो है वो टैग लाइन भी सेम ही होगा, ये देखिए। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो दोनों में प्रोडक्ट लेके आया हूँ एक ही कंपनी का है लेकिन मॉडल नंबर चेंज है, जैसे A18B और ये वाला BOSS 90। ये वाला जो दोनों जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट का एक ही कंपनी का है, मॉडल नंबर अलग है लेकिन इस पे क्वाल जो फीचर्स दिया गया, फीचर सेम दिया गया है। इसका कोई बैटरी बड़ा दिया गया है जो हमारा 6 आवर्स तक ड्यूटी देगा, ये 5 आवर्स तक ड्यूटी देगा। मतलब इस पे ज़्यादातर तक आप लोग साउंड सुन सकते हैं, इस पे थोड़ा सा काम चलेगा और कुछ भी नहीं है, एक ही सिस्टम है, एक ही क्वालिटी का है। आप लोग मार्केट में देख खोजेंगे तो आप लोग दोनों प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को, मैं बार बार ऐसी तरह का वीडियो लेके आऊँगा और इसीलिए इसी तरह का वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे और इसी तरह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।